प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक तौर पर अंग्रेजी समाचार पत्र में संविधान विरोधी देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक नाम से लेख प्रकाशित कराए जाने पर कांग्रेस जनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सोमवार को जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष नदीम खान व शहर अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्ला बेग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप कर संविधान की सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने की मांग की है। शहर अध्यक्ष नजम समीम ने कहा कि भारतीय संविधान अद्वितीय है, इसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से मांग किया कि संविधान के विरक्षक होने के कारण पूरी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं कि उक्त गंभीर मामले में आवश्यक हस्तक्षेप कर संविधान की सुरक्षा का भरोसा पूरे देश को दिलाया जाए। इस मौके पर मास्टर रिजवान मोहम्मद अकमल उर्फ सब्बू, मिर्जा अहमद बेग, मोहम्मद आमिर, असफर रिजवान, साहिद खान, तैयब अंसार, अशफाक अंसारी, स्वदेश गुप्ता, प्रदीप यादव, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद असलम, असीम आदि मौजूद रहे। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज किसी को जिलाधिकारी मौजूद आ पाया? आज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस का जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग है वो पिछले दिनों विवेक देवराय जी द्वारा जो लेख लिखा गया था संविधान विरोधी, संविधान को बदलने के लिए, उसके खिलाफ़ हम लोग महामहिम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आज उनको संबोधित ज्ञापन दिया गया है। विवेक देवराय जैसे आदमी को भारतीय भारत की सरकार में सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाकर रखा गया है, अब तक उसको तो तुरंत निकाल के किसी नदी नाले में फेंक देना चाहिए। इस मानसिकता का आदमी सरकार में बैठकर क्या कर रहा है और क्या करता होगा वो उसके बयान से जाहिर होता है। ये देश संविधान से चलता है और देश बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो देश को दिया गया है, उसी से चलेगा। इसको किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो इस देश से बदल सके। और विवेक देवराय जैसे जैसे कीड़े मकोड़े तो बहुत से पैदा होते रहते हैं वो अपने जबान की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन उनका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और जो केंद्र की सरकार है वो कैसे इस देश इस आदमी को बर्दाश्त कर रही है, ऐसे संदेह होता है कि वो भी इस बयान के पीछे खड़े हुए। अधिकारी से आश्वासन मिला है कि हम मुख्य न्यायाधीश तक आप लोगों के ज्ञापन पहुंचाएंगे, आप लोगों की बात पहुंचाएंगे।